बॉलीवुड की एक पुरानी फितरत रही है कि हमेशा से शादी को सीक्रेट रखने की कोशिश की जाती है और यही हुआ है सोनाक्षी सिन्हा की शादी मामले में। सोनाक्षी सिन्हा ने खुद ट्वीट करके पूरी दुनिया को बता दिया है कि उनकी इंगेजमेंट हो चुकी है। बाकायदा उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि उनकी उंगली में एक डायमंड इंगेजमेंट रिंग है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पूरे सबूत के साथ इस बात को प्रूव करूंगा कि किस तरीके से सोनाक्षी सिन्हा की शादी छुपा कर कराई गई है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर सोनाक्षी सिन्हा और सलमान खान की शादी की असली हकीकत क्या है और सोनाक्षी सिन्हा ने जो डायमंड रिंग वाली तस्वीर ट्विटर पर ट्वीट किया है उसकी असली हकीकत क्या है। और बाकायदा मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से सोनाक्षी सिन्हा ने इस बात को लिखा है कि मैं इस खुशी को और ज्यादा दिन तक संभाल के नहीं रख सकती हूं, यानी कि पूरी दुनिया को बताना चाहती हूं कि हमारा एंगेजमेंट हो गया है। तो चलिए मैं आपको असली कहानी बताता हूं कि आखिर इस तस्वीर और इस खबर और सबूत के पीछे की असली हकीकत क्या है। दोस्तों इंटरनेट पर लगातार जो खबरें चलती है, खबरें ये चल रही है कि सोनाक्षी सिन्हा और सलमान खान की शादी हो चुकी है या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि होने वाली है। बाकायदा सबूत को भी दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ खुद सोनाक्षी सिन्हा कह रही है कि हमारा एंगेजमेंट हो चुका है, शादी की बातें अब तक उन्होंने क्लियर नहीं की है। दोस्तों सलमान खान सोनाक्षी सिन्हा की शादी की चर्चा आज से नहीं बल्कि 5-6 महीने पहले से हो रही है, लेकिन 5-6 महीने बाद आखिर वो कौन सी बातें सामने आई जिसके बाद फिर से एक बार चर्चा गर्मा गई है कि दोनों की शादी हो चुकी है। दोस्तों ये बात तो है कि शादी को जितना भी सीक्रेट रखने की कोशिश की जाए, शादी की तस्वीरें और वीडियो किसी न किसी रूप में वायरल हो ही जाती है और यही चीज बताया जा रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा और सलमान खान की शादी को लेकर हुआ है। शादी को सीक्रेट रखा गया था लेकिन शादी में मौजूद कुछ लोग तस्वीरें खींच लेते हैं और इंटरनेट पर वायरल कर लेते हैं, ये इल्जाम भी कुछ लोग लगा रहे हैं। लेकिन वाकई में सोनाक्षी सिन्हा और सलमान खान की शादी कहां पर हुई, कैसे हुई, क्या शादी में उनके परिवार वाले मौजूद थे, क्या खुद शत्रुघ्न सिन्हा भी वहां पर मौजूद थे या फिर पूरी दुनिया समेत परिवार से भी छुपाकर शादी की गई। दोस्तों चलिए मैं आपको राज की बात बताता हूं कि आखिर सोनाक्षी सिन्हा की शादी की असली हकीकत क्या है और सलमान खान ने किस तरीके से इस बात को लेकर बड़ी बातें कही है। जी हां, सोनाक्षी सिन्हा शादी जल्द करेंगी या करने वाली है या कर चुकी है, इस बात की चर्चा पूरी दुनिया में है। अब मैं आपको वो चीजें बताता हूं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने एक डायमंड रिंग वाली इंगेजमेंट रिंग वाली तस्वीरें शेयर की है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये इंगेजमेंट जो है सलमान खान के साथ हुई है। तो चलिए मैं आपको असली बात बताता हूं कि आखिर इंगेजमेंट किन के साथ हुई है, क्या सलमान खान के साथ वाकई में इंगेजमेंट हुई है या महज एक अफवाह है। दोस्तों सूत्रों की माने तो सलमान खान के दोस्त के बेटे के साथ सोनाक्षी सिन्हा का इंगेजमेंट हुआ है। सही सुना आपने, उनका नाम है जहीर इकबाल जो कि खुद एक एक्टर है और उनसे सोनाक्षी सिन्हा की दोस्ती खुद सलमान खान ने कराई थी, यानी कि क्लियर हो गया है कि सलमान खान के साथ ना ही उनका कोई इंगेजमेंट हुआ है और ना ही ऐसी कोई बात चल रही है। पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक पर इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा, जी हां दोनों के बीच बातचीत हुई है और बातचीत में ऐसी कौन सी चीजें सामने आई है जिसको देखना और समझना आपके लिए जरूरी है। मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा, इसके अलावा वीडियो चैट जो कि बताया जा रहा है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच हुई है। आखिर उस बातचीत में कौन सी बात खास है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो चैट देखना है और कॉल रिकॉर्डिंग सुननी है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है। किस तरीके से अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच विवाद हुआ सबको पता है, पहली पत्नी ने आत्महत्या की यह भी पता है, दूसरी पत्नी से अब पवन सिंह तलाक ले रहे हैं इस बात की जानकारी सबको हो चुकी है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि बातचीत में आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो वाकई में अहम है, क्या ये बातचीत दोनों के बीच समझौता करा सकता है, क्या पवन सिंह तलाक की अर्जी वापस ले लेंगे, ये तमाम चीजें मैं आपको दिखाने और बताने जा रहा हूं। पवन सिंह और विवाद का रिश्ता पुराना है, किस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह का बोलबाला है ये सबको पता है। पवन सिंह की दबंगई किसी से छुपी नहीं है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि पवन सिंह से जुड़ा वो वीडियो चैट और कॉल रिकॉर्डिंग में आपको सुनाऊंगा जिससे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। को गाली दे दिए, एक दूसरे को लाइव में आके मौका पे चौका मार लिए तो बहुत बड़े स्टार हो गए हैं? कौन से स्टार हो गए भाई, सीखिए पहले सीखिए। पवन सिंह के गाली दे के तुहार अगर मन में खुशी होता तो के गुदगुदी आवता कि आ हमने आज तो तीर मार दिया पवन सिंह को गाली दे के। ठीक है बेटा, तो आप खुश रहो, गाली दे खुश रहो, सही नहीं है। इसके पहले हम यूपी में भी लाइव आए थे तो बोले थे कि बेटा कुरेदा जा मत, ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया फिर चुप हो गया तो मैं डर गया। तो
ये बोले तो फिर हम बोले ठीक है मर जल्दी जल्दी हम लोग बैग वैग कर आए। उसके बाद फिर बोले कि रात में निकल गई वो जा रहा कभी रात को जल्दी। फिर अम्मा के मन में पता नहीं क्या है बोली अम्मा की रात सुबह 5 बजे निकल गई। सुबह 5-7 बजे तैयार होके हम लोग वहां से 7 बजे आरा निकले। आरा से फिर थोड़े 2 घंटे आरा रुके होके फिर फ्लाइट के लिए निकले। बताइए भैया ऐसे ऐसे बोले भैया मम्मी पापा को मेरे वो चेहरे दिखेंगे ना झूठ बोलेंगे। इससे जब मेरी बात हुई थी तो भी मैंने उनसे बोला था कि मैंने जब आपसे सब कुछ पूछा था तो आपने कुछ नहीं बोला खुद कह रही मुझे बहुत बहस है तो मैं खुद इनसे होंगी ये स्टार ठीक है लेकिन ना मुझे मुझे एक सिंपल लाइफ चाहिए था ठीक है ठीक। मुझे बताया गया कि बिल्कुल पवन सिंह अपने भाई की तरह है ठीक है। गुड्डू भैया को मैंने देखा है नो डाउट गुड्डू भैया जैसा इंसान बहुत मुश्किल से मिलेगा ठीक है ठीक। इतने इतने अच्छा इन्होंने इतने अच्छे नेचर के हैं ना कि अब मैं आपको क्या बोलूं ठीक है। तो मुझे लगा चलो भाई है भाई भाई मतलब थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है होगा तो एक ही जैसे ना भाई बहन कहते नहीं है कि कुछ ना कुछ बिल्कुल अपोजिट क्या मुझे तो लग रहा है इनके पूरे खानदान में नीचे बैठे नहीं है इस इंसान के अंदर। हाँ कि इनको लगता है ना कि ये जिसको चाहे ना जिसको चाहे जिसको जिसको चाहे वो बेड पे ला सकते हैं ऑन बेड हो सकते हैं उसके साथ। हाँ तो ये रियलिटी क्या है ना अभी ये सच्चाई से भी बहुत परे हैं। हेलो हाँ हाँ सुन रहे हैं बाप। ये सोच रहे हैं उनकी सोच हो गई है ना कि वर्ल्ड बेस्ट यही है ठीक है। ये इनकी इनका बस चले ना तो ये अंबानी की वाइफ को भी ऑन बेड होने को वो कर दे ठीक है। इनकी इनकी मतलब सोच इतनी हाई है नो डाउट आप हो ठीक है लेकिन आप पे भी ऊंचे ऊंचे लेवल के लोग हैं दायरे में है ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में किसी ने लड़की हीरोइन से शादी नहीं की है। अगर आपको इतना ही होता तो कर लेते शादी। एक लाइफ आप ऑलरेडी खराब कर चुके हैं नीलम दीदी वाली बात मैं कर रही हूँ। अब क्यों किए दूसरे से शादी जब आप सेटिस्फाइड नहीं है खुश नहीं है तो खुश किसके साथ हो आप? नीलम जैसी औरत हाँ इस दुनिया में मिलनी बहुत मुश्किल है। लेकिन ये तो सच्चाई है कि पवन सिंह ने अपनी पत्नी को जिस तरीके से प्रताड़ित किया है ये पूरी दुनिया के सामने आ गया है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।